हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, रेवाड़ी जिला के बावल क्षेत्र के गांव जयसिंहपुर खेड़ा में रविवार की रात को एक दुकान के ताले तोड़कर की गई चोरी के 6 आरोपियों को बावल पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा। उनकी पहचान जिला अलवर के अख्तरुल व नजरुल, जयपुर के मोहम्मद रुबेल, पावटा के मोहम्मद रमजान, मिजनुरु व मोहम्मद जलील के रूप में हुई है। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि 24 जनवरी को जयसिंहपुर खेड़ा के जगदीश प्रसाद की दुकान के ताले तोड़कर चोर वहां से मरम्मत के लिए आई की मोटरें, लोहा का स्क्रैप तथा 3 बंडल पीवीसी तार, इन्वर्टर की बैटरी तथा 10 किलो गनमेटल व अन्य सामान ले गए। मिस्त्री गांव जयसिंहपुर खेड़ा, तहसील बावल। क्या मामला सर? सर, मैं रात को शाम को अपनी दुकान बंद करके घर में सोया हुआ था, तो रात को मेरे पड़ोसी ने मेरे को आवाज लगाई तेरे घर में चोरी होगी। तो मैं बाहर आया, आड़ोसी पड़ोसियों को औरों को बुलाया, एक आधो दरवाजे खोले और 3-4 आदमियों को मैंने लेकर उधर से सरसों में देखा, तो 3-4 आदमी थे सरसों में। हम एक आदमी के पीछे भागे तो 2 घंटे में उसको पकड़ा हमने और फिर पुलिस को 100 नंबर फ़ोन करके बुलाया। कुछ सामान वो ले गए, कुछ मेरा बिजली का सामान था वो वहीं पड़ा मिल गया खेत के अंदर, और हमने एक आदमी जो पकड़ा था उसको पुलिस के हवाले कर दिया। परसों एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें बावल थाना के एरिया में जयसिंहपुर खड़ा गांव में चोरी हुई थी रात को एक कबाड़ी के वहां से, तो उसमें मैं SHO बावल और उनकी टीम ने अच्छा काम किया है कि उसमें 6 लोग अरेस्ट हो गए और उनका टेम्पो भी बरामद हो गया है। उनमें से 6 के 6 वो राजस्थान के ही हैं, उसमें से 2 पावटा के हैं, कुछ जयपुर के हैं और शाहजहाँपुर के हैं 2। तो अब उनको पेश करके और जुडिशल में भेज दिया गया है और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वो एडिक्ट थे, नशा करने के आदि हैं और जो चोरी का माल उनसे बरामद हो गया है, बाकी वो कोर्ट में चलान दिया जाएगा। जी,